सर अज सानू बड़ी खुशी हुई है साढ़े इंडिया दे विच 41 साल बाद हॉकी दी टीम साढ़ा मैच जीती है और सानू बहुत ही ज्यादा खुशी है। अज साढ़े व्यापारी भरा सारे कट्ठे होए ने और साड़ी टीम भी पहुंची है, उन्हें आखिया अस प्रोग्राम करना है और अज बड़ी ही खुशी है सानू और सानू पूरा गर्व है साड़ी इंडिया दी टीम उपर। मगर सानू अज बड़ी निराशा हुई है, कल तुसीं दिखिया प्रोग्राम होया मगर 41 साल बाद कोई नहीं कोई जिक्र किया साढ़े इंडिया दे विच एड्डा वड्डा ओलंपिक जीती है साड़ी टीम आई है। मगर सानू बड़ी निराश है इस गल की, सारे 35 ए ते 370 मनाई है मगर सानू बड़ा कक्ख इस टीम दे बारे च कोई नहीं बोलिया। मगर सानू अज इस गल की निराशगा एक है, अभी भी बीजेपी के सारे वर्कर हैं मगर निराशगा एक है, कोई भी फंक्शन होता मगर यह संगठन हमेशा कट्ठा ही टीम मनाता फंक्शन। मैं एक गल बोलना चाहना, अगर मैं अपनी कठुए की आम जनता ही पूछना चाहना जी साड़ी इस संगठन का जी प्रजा साड़ी संगठन की और ये सारे को बड़ी प्रजा साड़ी इंडिया की टीम है और सारे को प्रजा ये जनता है जिन्हें संगठन एड्डा वड्डा खड़ा किया। अहीं इको गल की मिसाल देना चाहने मगर अपने आम जनता की भी किराए पूछना चाहने कि साड़ी आम जनता 370-335 को खुश है या नहीं है, मगर साड़ी जनता की राय को नहीं पूछी। मैं चाहना जिले अगर 7 साल बाद या 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं हर घर एक मिनिस्टर जाता है, हर घर एक एमएलए जाता है, हर घर एक सरपंच जाता है, मगर मैं चाहना 5 साल कह नहीं पूछते, 5 साल कोई प्रोग्राम होता सिर्फ 20 बंदे का प्रोग्राम होता है, आम जनता ही कह नहीं बुलाया जाता। मैं अपने यूथ अपने नौजवान जनता की यूथ ही बोलना चाहना, साढ़े यूथ कट्ठे होन और कट्ठे होइए प्रोग्राम करन, कोई भी है अपना प्रोग्राम होना चाहिए, कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। मगर मैं गल बोलंगा सानू बड़ी नाराजगी है मगर जद भी कोई प्रोग्राम होता है सानू बड़ी खुशी हुई है, मगर साढ़े तिरंगा लहराया गया कल बड़ी खुशी हुई मगर नाराजगी सिर्फ इस गल की है जरा 370-335 मनाया गया है अभी सानू नाराजगी है। आम जनता की कोई राय नहीं होंगी है, मैं अज अपनी जनता की दिल खोलिए राय मंगा, अपने दिल खोलिए राय दो ताकि के एस राय तुम खुश हो या नाराज हो, बस मैं इन्ना ही बोलगा। मगर सानू बड़ी खुशी है साड़ी इंडिया अज जीती है, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक गल और बोलंग साढ़े आने वाले जेडे युवा इन बारे सोचा जाए, मैं एक गल बोलंग कल एक मेरे को हैंडीकैप मुड़ा आया, मैं बड़ा अफसोस होता जिले अहें कोई हैंडीकैप भी देखने ना सानू बड़ा दुख होता मगर अहें साड़ी टीम बड़ा कुछ करने तैयार होंदी है, मगर मैं गल होंदा जेड़ा कहें हाथ जोड़िए बिनती करगा मैं नरेंद्र मोदी हुंदे अगे भी इको बिनती करगा जेड़े हैंडीकैप ने साढ़े उन्दे बारे सोचे जाए, उन्दी ज्यादा नहीं मैं 3000 पेंशन लाई जाए क्योंकि बेचारे उन्दे बारे कोई नहीं सोचता, हैंडीकैप के बारे कोई नहीं सोचता, बस मैं नहीं बोलगा हाथ जोड़िए बिनती, बस इन्ना ही बोलगा। देखो सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि 41 साल के बाद हमारी भारतीय टीम खिलाड़ी हॉकी के जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं हमें बहुत खुशी है उससे, और ये हमारी वैसे भी राष्ट्रीय खेल था लेकिन हम अपनी इस टीम के मतलब बहुत खुशी से उनका स्वागत करते हैं इंडिया में वापस आने के लिए और आगे भी चाहते हैं यूथ के लिए कि अच्छे से आप आगे से आओ और स्पोर्ट्स को अच्छा एक मतलब उनको स्टेप रखो और अच्छे से मतलब जो युवा हमारे इधर कोई नशे में है कोई गलत कामों में है लेकिन अगर वो खेल में आए तो हमें और भी विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा भारत जो है वो और भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा।